ये इलेक्ट्रिकल फायर जो आग लग जाता है वो सबसे पहले क्या होता है, किस कारण से होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट में गड़बड़ी खराबी होने के कारण होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोला जाता है, जिस रास्ते से होकर करंट निकलता है उस रास्ते को इलेक्ट्रिकल सर्किट को बोला जाता है, जिसमें आ गया वायरिंग केबल हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, डीबी सब डीबी एमसीबी जितना भी इक्विपमेंट है जिससे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है सब उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट बोला जाता है। तो ये गड़बड़ी हो गया, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट का गड़बड़ी रहेगा और स्पार्क करेगा तो जलने वाला वस्तु सामने में रहेगा तो आग लग जाएगा, उसका कारण होता है। उसके बाद उसका और कारण क्या होता है, लूज कनेक्शन होगा तो भी स्पार्क करेगा, स्पार्क करेगा तो आग लगना फिर उसमें चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी इक्विपमेंट है ऊपर से पानी गिरेगा तो भी स्पार्क होगा, फिर भी वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लगना चालू हो जाएगा। वायरिंग सही नहीं किया गया है, इम्प्रॉपर वायरिंग है, वायरिंग का सही से नहीं है, कहने का मतलब है 5 एम्पियर का केबल है और उसका 13 एम्पियर पास कर रहा है। हमारा कैपेसिटी है 40 kg उठाने का, हमको 70 kg देगा तो क्या होगा, करेगा कहीं कहीं करेक हो जाएगा। उसके बाद हो गया ओवरलोडिंग, एक कनेक्शन आया, एक कनेक्शन से क्या हुआ, मल्टीपल कनेक्शन दे करके अलग अलग कर दिया। यहाँ पर ट्रैक्टर का एक रास्ता का 4 चक्का का जाने का जगह है या 6 चक्का चला जाएगा ट्रैक्टर जाएगा, इसमें हाईवा जाएगा तो क्या होगा, रोडे टूटेगा ना, तो उससे भी डैमेज हो जाता है। इसके अलावा हो गया उसमें हाउसकीपिंग नहीं है, जलने वाला वस्तु इधर उधर फेंका हुआ है उसमें भी लगता है। उसके बाद लाइटिंग है, लाइटिंग जो पहले बल्ब लगाया जाता था तो बल्ब नहीं लगाया जाता है, पहले बल्ब लगाया जाता था तो बल्ब में भी हीट हो जाता है, हीट होने से क्या होता है, आग पकड़ लेता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है केबल का रूटीन सही नहीं है, केबल लपेटा हुआ बांधा हुआ है और उसमें घर में किसी में बंद है पावर सप्लाई हो रहा है, क्या होगा, वो हीट हो जाता है। वेल्डिंग केबल का भी यही नियम है, वेल्डिंग केबल जो भी आदमी ले जाता है तो राउंड करके नहीं रखना चाहिए, राउंड करने से हीट हो जाता है और हीट से क्या होता है, हीट से क्या होता है, स्पार्क होगा और खराबी आ जाता है। तो पावर केबल में भी क्या है, राउंड करके ना, वेंटिलेशन हवा आने जाने का सुविधा होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आग लग जाए, लगेगा नहीं, लगना तो नहीं है, उससे पहले प्रिकॉशन कर लिया जाता है। आग लग जाए किसी तरह का या कुछ गड़बड़ी हो जाता है या किसी को करंट लग जाता है, सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको सर्किट को बंद करना चाहिए, ऑन ऑफ स्विच है वहीं से बंद कर दीजिए। फायर एक्सटिंग्विशर का जो भी यूज करेगा तो CO2 ही यूज करेगा, दूसरा नहीं पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में पानी कभी भी नहीं मारेगा, पानी मारेगा तो क्या होगा, वो करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल फायर शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट में और एक दो चीज क्या छूट गया था, जो फ्यूज अगर गड़बड़ रहेगा तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे कोई क्या करेगा, किला घुसा देगा उसमें, फ्यूज के बदले किला दे देगा, कोई होगा क्या करेगा, स्टील तार देगा, तारे बांध देगा, किसी के देखते हैं को यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ शुरू में एक इलेक्ट्रिशियन कर दिया था, तारे बांध दिया, तो तार बांध दिया करंट के रेटिंग के मुताबिक वो फ्यूज लगना चाहिए। इसके बाद हो जाता है इंसुलेशन अगर खराब हो गया, कट फट गया, उसका कवर कट फट गया तो भी क्या हो जाता है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और उस इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचाने के लिए क्या सब करना चाहिए, तो उसमें क्या है, जो भी ऑथराइज इलेक्ट्रिशियन है वो काम करेगा इलेक्ट्रिकल काम, वो भी काम जो करेगा तो उसका इंसुलेशन टूल्स होना चाहिए, कवर लगा हुआ, जैसे पिलास में कवर लगा हुआ रहता है, स्क्रू ड्राइवर में कवर लगा हुआ रहता है, हल्का टच भी करेगा तो क्या होगा, ऊपर में प्लास्टिक चिपका हुआ रहता है इंसुलेशन, उसको करंट नहीं लगेगा। इसके अलावा वो तो LT हैंड ग्लव्स पहन लेगा, उसके बाद काम करेगा। और इसके बाद और कुछ कुछ नियम है, नियम क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितना है उसका अर्थिंग जो है ग्राउंडेड होना चाहिए,
वो अर्थपीठ से कनेक्ट होना चाहिए। वो अर्थपीठ से कनेक्ट होने वाला जो अर्थिंग है समय समय पर टेस्ट होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू टेस्ट होना चाहिए जो 1 ओम से कम आता है, वो सब टेक्निकल चीज है। उसके बाद हो गया कि जितना भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलेगा उसका कनेक्शन RCCB रेसिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर से होना चाहिए, या ELCB आ जाता है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अभी नहीं चल रहा है तो उससे होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाता है उसको भी समय समय पर टेस्टिंग होना चाहिए। उसका कैपेसिटी है आदमी का 30 mA से कम आना चाहिए, 30 mA तक आदमी का क्या है तो स्ट्रेंथ शक्ति रखता है जो वो आदमी गारंटी नहीं मरेगा, नहीं कुछ होगा उसको। वो 30 mA ये बताता है, 1 सेकंड का 1000वां भाग होता है, उतना में क्या होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको भी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा हो गया उसमें रबर मेट रहना चाहिए, इंसुलेशन उसका जो स्विच बोर्ड में इंसुलेशन होना चाहिए, करंट रेटिंग के मुताबिक फ्यूज लगा हुआ रहना चाहिए, केबल रूटीन सही होना चाहिए, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चलेगा जैसे ग्राइंडिंग ये बाइंडिंग मशीन चलेगा, कटिंग मशीन चलेगा, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, वो अर्थ स्पीड से भी कनेक्ट है, केबल कटा फटा नहीं रहना चाहिए, ये सब को देख करके काम करना है। इसके अलावा और हो जाता है क्या, तो जो भी स्विच बोर्ड है उसका पोलरिटी टेस्ट होता है, वो यहाँ देखते हैं इक्विपमेंट नहीं है, LNT में था जो अपना चलता था। उसके बाद उसके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें भी है, उसमें भी और एक टेस्ट होता है, इंसुलेशन टेस्ट होता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। और बाकी बताया जाता है यही जो लाइव करंट में काम नहीं कर, करंट अगर चालू है उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, वो किसी का नहीं है। और जिसको काम जो नहीं करने आता है, हमको इलेक्ट्रिकल में नहीं पता है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सबसे अच्छा उपाय है जो भी इलेक्ट्रिकल काम होगा उसको पूरा करने के लिए लॉग आउट टैग आउट सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। तो जहाँ जो काम करेगा थोड़ा देख सुन के करेगा, केबल रूटीन सही रहना चाहिए, केबल रूटीन का नियम यही है जो ओवर हाइट से आदमी के हाइट्स के ऊपर से होना चाहिए, नहीं तो नीचे से होना चाहिए। और एक्सकैवेशन सब जहाँ हो रहा है तो वहाँ भी जो है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में आता है जो पावर केबल तो नहीं है। एक जगह ऐसा हुआ था टाटा स्टील में, जो आदमी गड्ढा खोद रहा था उसको पता नहीं था JCB से, खोदते वक्त क्या हुआ वो कैसे न कैसे करंट लग गया, गाड़िये पर रह गया, तो गीला हाथ से बिना हैंड ग्लोव का वो जो है इलेक्ट्रिकल काम नहीं करना है। और इलेक्ट्रिकल में कभी भी पानी नहीं डालना है। और एक जगह ऐसा हुआ था जो इलेक्ट्रिकल का तार गिर गया तालाब में, पूरा मछली मर गया, और एक आदमी को एक्सीडेंट के मैं बता रहा हूँ, और एक आदमी को गांव में पेशाब कर रहा था, पेशाब कर अर्थिंग में था, पेशाब कर रहा था अर्थ फिर जहाँ गड्ढा खोद करके, गड्ढा नहीं गांव घर में क्या करता है सीधे सरिया ठोक देता है, तो वो भी अर्थ लीक हो, गांव घर में तो क्या है RCCB ELCB कोई लगाता है, कोई नहीं लगा, अब कोई कोई लगाना चालू कर दिया है, तो क्या हुआ उसका करंट आ गया उसमें अर्थिंग में, अब पेशाब किया तो बस पेशाब का धार पहुंचा वहां, कंटिन्यूटी हुआ और उसको करंट मार दिया। तो करंट में ये सब गर फायदा है। ठीक है, थैंक यू, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी, थैंक यू।